हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, ये पैशन प्रो गाड़ी है मेरे पास, ये देखिए दोस्तों पूरी खुली पड़ी है। और इसमें क्या दिक्कत है, इसकी वायरिंग की प्रॉब्लम है। और दोस्तों इसमें वायरिंग में क्या क्या दिक्कत दे रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मीटर की लाइट जो है पेट्रोल की किस तरीके से चल रही है, और इसकी न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, और आपकी इसमें न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है। और दोस्तों इसमें देखिए न्यूट्रल लाइट भी नहीं जल रही और स्टैंड की लाइट भी नहीं जल रही है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों इसकी हेडलाइट भी नहीं जल रही है, जल्द स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों स्टार्ट किया और ये ऑन किया, ये देखिए दोस्तों इसकी लाइट भी नहीं जल रही है, ठीक है दोस्तों। ये सारी दिक्कतें हैं, और ये दिक्कत कहाँ से आती, कैसे आती, किस तरीके से इसको सही किया जाता, सब कुछ आज की वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए हैं, और सबसे पहले मैं वायरिंग के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों इधर पीछे साइड आपका दो इंडिकेटर होते हैं, एक बैक लाइट होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें और मैं आपको बता देता हूँ, आगे जो होता है ये जितने भी ये स्विच लगे होते हैं, ये सेल्फ वाला स्विच और ये वाला स्विच, इन सब के कनेक्शन आगे टापे में लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं बैटरी बॉक्स के बारे में, बैटरी बॉक्स को भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों टूल बॉक्स की ये इधर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका चार्जर होता है, ये बैटरी होता है, उसमें दो फ्यूज लगते हैं, एक रेड कलर का होता है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों दो फ्यूज लगे होते हैं, और ये कभी कभी स्टार्ट कर जाते हैं जिसमें पूरा ही काम नहीं करता, लाइट बटन हॉर्न कुछ भी नहीं काम करता, लेकिन इसमें ये दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसमें फॉल्ट क्या है और उसको किस तरीके से सही करते हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जहाँ पे ये हैंडल हम मोड़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये खोल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम खोल लेते हैं, खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है और किस तरीके ये दिक्कत कैसे सही होगी। जैसे न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, और मीटर आपका भाग रहा है, पेट्रोल वाला सुई भाग रही है, और आपका जो स्टैंड वाला जो लाइट है वो नहीं जल रहा है, ये सब चीज़ें इससे सही होगी, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है, और खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए ये तारे, ये जो न्यूट्रल वाली है, तो दोस्तों ये देखिए इसमें, ये देखिए दोस्तों ये दो तारे न्यूट्रल वाली टूटी हुई है, ये देखिए दोस्तों। और इसमें और भी तारे मैं आपको चेक कर लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों बहुत सी तारे इसमें अंदर से टूटी हुई हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत सी तारे टूटी हुई हैं, इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ऐसी भी कोई दिक्कत आती है इस तरीके की, तो आप ज़्यादा इधर उधर ना ढूंढिएगा, सीधा यहाँ पर इस तरीके से कल लगा करके यहाँ पर ढूंढ के इसको, ये देखिए दोस्तों कितनी तारे टूटी, ये सारी तारे हम जोड़ जाड़ के फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये सब चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको किस तरीके से जोड़ना है इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ये टूट जाती है, तो एक तार लंबी ले करके एक इसमें जिस कलर की तार टूटी उसमें जोड़ना है, और इधर से भी जिस कलर की तार टूटी है उसको जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम जोड़ देंगे वायरिंग को, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये सब चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसी तरीके से हम जोड़ लेते हैं। दोस्तों ये देखिए इसमें बहुत सी तारे टूटी हुई हैं, और ये देखिए दोस्तों बहुत सी तारे ये टूटी हुई हैं, इसको हम जोड़ेंगे और जोड़ के आपको दिखाएंगे कि इसका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वायरिंग पूरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसे जोड़ लेते हैं और जोड़ के आपको दिखाते हैं। दोस्तों जोड़ना किस तरीके से, इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये तार टूटी हुई थी जैसे कि, और इसमें मैंने ये तार जोड़ दी है, और यहाँ से एक्स्ट्रा तार लगा करके और एक तार यहाँ जोड़ दी है, ठीक है दोस्तों। इसी कलर की तार है, ये देखिए दोस्तों वाइट, ये पीली और लाल है, और ये भी देखिए पीली और लाल है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जोड़ना, और जो भी इस तरीके से दो तारें होती हैं इस तरीके से, ये जैसे दो सेम तार है, तो दो सेम तार इसमें भी है, और उसी को जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमको जोड़ना है, ठीक दोस्तों। तो हम जल्दी जल्दी जोड़ के सारी वायरिंग आपको दिखाते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये सारी तारें मैंने जोड़ दी है, ये देखिए दोस्तों किस तरीके से जोड़ी है, ये सारी तारें इसी तरीके से मैंने जोड़ दी है। अब इसको मैं पैक कर देता हूँ, और फिर बाद में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रही है।
तो दोस्तों इसको मैंने पूरा पैक कर दिया, मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसकी ये सब चीज़ें सही हुई है कि नहीं सही हुई है। ठीक दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसकी न्यूट्रल लाइट भी वर्क कर रही है और साइड स्टैंड की ये भी वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों ये हट गया है और ये देखिए दोस्तों ये लग गया है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये मैंने गियर पर डाल दिया, ये न्यूट्रल हो गई। ठीक दोस्तों, अब लाइट भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मैंने स्टार्ट किया गाड़ी और ये देखिए दोस्तों इसकी लाइट जल रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वायरिंग की वीडियो आपको छोटी सी कैसी लगी? और दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी यही सेम दिक्कत आ रही है इस तरीके की और उसको किस तरीके से सही करना है, तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर से आप वायरिंग चेक कर लीजिएगा और कहीं ना चेक कीजिएगा, कुछ चेंज ना कीजिएगा, खाली यहाँ से कट लगा करके वायरिंग देख लीजिएगा कौन सी टूटी है कौन सी सही है, सारी फॉल्ट यहीं से होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।